और दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने नेटवर्क 10 के संवाददाता मनोज प्रजापति से खास बातचीत की है। देखिए जिस प्रकार ड्यू की समस्याओं को लेकर संजीव झा MLA हैं, आप पार्टी के बात करते हैं, उनसे किस प्रकार की समस्या है बताइए। देखिए आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, आज केंद्र सरकार उनको सैलरी नहीं दे पा रही है। तीन तीन महीने, चार चार महीने, पांच पांच महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे प्रोफेसर्स रोज हमारे घर आते हैं, बताते हैं कि उनकी समस्याएं हैं। तो अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी इस टाइम पे, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगा टाइम पे, तो खैर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा। ना केवल बच्चों की पढ़ाई, आज देखिए ना लेबोरेटरी ठीक है, ना स्कूल्स की बिल्डिंग ठीक है, कहीं पंखा काम नहीं कर रहा है, कहीं बुक नहीं है, कहीं कंप्यूटर नहीं है, और लगातार आप बजट पे लोकेशन कम करते जा रहे हो। तो ये जो क्राइसिस उत्पन्न हो रही है, इसलिए बजट ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इस देश आपको थोड़ी सी भी इस देश के प्रति आपका कोई जिम्मेदारी है, तो बिना शिक्षा का देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप कहते हैं कि हमें भारत को विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो सबसे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। तो आज जिस तरह से केंद्र सरकार का दोहरा रवैया, दोहरा बर्ताव रहा है यूनिवर्सिटीज के साथ, इससे तो देश का नुकसान होगा। तो आज इसी मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री इसको गंभीरता से लेंगे, और ये सैलरी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स का है, वो सैलरी सही समय पर मिल पाएगा। जिस प्रकार आपने सुना संजीव झा जी ने बताया ड्यू के टीचरों की हालत किस प्रकार खस्ता हो गई है, नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन विजय चौधरी।